Today in our session, we are going to start a new chapter in social science. Yesterday you had your English class, and today I'm taking your social science class. And I'm going to start with a new chapter in geography, that's forest and wildlife resources. If you go through the syllabus, which is available on the साइट ऑफ सीबीएसई, यू विल सी, आप मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं. तो बेसिक क्वेश्चंस जो इसमें से आपको आ सकते हैं, दैट इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व द फॉरेस्ट, हमें इन फॉरेस्ट को बचाने की क्यों जरूरत है. हम लोगों का जो पहला चैप्टर था, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, in that we had learnt that there are many resources. For example, we have resources which are on the land, we have resources which are in water. Everything is resource, everything which is, kuch hamare aise hain jo replenishable hain, kuch non replenishable. तो फॉरेस्ट को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस के अंदर लेकर आते हैं. एंड बायोटिक मीन्स अ वन विच इज हैविंग द लाइफ, जिसमें लाइफ होता है. तो फॉरेस्ट गिव्स अस मेनी थिंग्स, राइट फ्रॉम व्हाट यू कॉल एज योर डे टू डे मटेरियल, लाइक योर आपके जो पेपर्स हैं, बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड टू मेक पेपर्स. Then there are many things which are used as a forest resource, medicines, timber, मतलब ये तो वो है which are used in a large quantity. And in the earlier times, मतलब अभी नहीं पहले, even जो लोग forest में dwell करते थे, यानी कि जो लोग forest में रहते थे, the tribals, they used each and every thing which was available in the forest. And they used it for different purposes, like flowers को वो use करते थे in different purposes, bark को use करते. आप लोग मतलब कि I know that all of you might be eating, taking this biryani, pulao, garam masala, and उसके अंदर एक बहुत important ingredient होता है आपका dalchini, cinnamon sticks. Those cinnamon sticks are the bark of the tree. Yani ki forest gives us so many things. Lekin pichle kai saalon se, jab se human dharti par aaya hai, the forest have been cut for many purposes. Kabhi railway line banane ke liye, kabhi मकान बनाने के लिए, कभी वहां पर कुछ और बनाने के लिए. द लैंड हैज बीन यूज फॉर प्लांटेशन अंडर द कॉलोनियल पीरियड, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन व्हाट वी कॉल एज डीफॉरेस्टेशन, यानी कि डी मतलब फॉरेस्ट को कट कर देना. And deforestation is not only one particular purpose, और इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. Deforestation has resulted in many many other problems. आज आप देख सकते हो, एक दिन इतनी गर्मी होती है, दूसरे दिन बारिश हो रही होती है. Why? Because the globe has become warm, and the reason, उसमें से एक reason deforestation is also there. Because a forest helps to maintain the balance. आपका जो water cycle का balance है, उसे भी maintain करने में help करता है. It is the resident, you can say many of the animals are denizens. उसके साथ कितने animals के घर चले गए. पिछले साल, उससे दो साल पहले, आप लोगों को बहुत मतलब कि you must have seen, there were number of news when पीपल मतलब कि स्पॉटेड लेपर्ड, लेपर्ड जैसे जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे वर ऑल व्हाट यू कॉल एज इन द रोड, ऑन द रोड,
जब आप उनके घरों को तोड़ दोगे, आप उनके घरों को काट दोगे, तो व्हाट विल हैपन, हमारे घर पहुंच जाएंगे वो लोग। सो दिस इज हाउ इट हैज रिजल्टेड इन मेनी प्रॉब्लम्स, एंड दिस चैप्टर विल रीड अबाउट व्हाट इज फॉरेस्ट, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द व्हाट यू कॉल एज स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या किया गया है, एंड हाउ वी एज ह्यूमंस कैन ऑल्सो रीच आउट। दिस इज अ चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ये मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ है। वी आर स्टार्टिंग द सेम अलॉन्ग विथ NCERT। We share this planet with millions of other living beings, starting from the microorganisms and bacteria, lichens to banyan tree, elephants and blue whales. मतलब ब्लू वेल्स आपके सबसे मैमोथ हैं, एंड ऑन द लैंड आपका सबसे मैमोथ होता है, मेजेस्टिक एनिमल होता है एलिफेंट, एंड दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, इट्स नॉट माई क्वेश्चन। इफ यू नो दैट जो आपके सॉइल है, सॉइल दैट विच वी यूज फॉर द फार्मिंग, इवन उसके अंदर जो अर्थ वॉर्म होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी। लेकिन हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, वी आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, वी आर यूजिंग सो मेनी थिंग्स विच जो नेचुरल बैक्टीरिया होता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल ग्रोथ, वो भी किल हो जाता है। दिस एंटायर हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स अ प्लेस वेयर वी लिव, दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स द वन विच इज हैविंग लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के, मीन्स वी आर लिविंग, द एनिमल्स आर लिविंग, द प्लांट्स आर लिविंग, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, राइट फ्रॉम, एक बहुत छोटा सा फूड साइकिल है जो आप लोगों ने शायद फोर्थ या फिफ्थ में किया होगा, दैट एक मिट्टी, मिट्टी से आपकी घास आती है, ग्रास, द ग्रास इज ईटन बाय काउ, द काउ गिव्स अस मिल्क, वी ह्यूमंस कंज्यूम दैट मिल्क। तो इस तरीके से द साइकिल एंटायरली मूव्स ऑन। द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, क्योंकि हम जो है वी गिव दी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लांट्स जो है उसको लेते हैं, एंड दे ऑल्सो फ्रेशन अप आवर एटमोसफियर। द वॉटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव, एंड फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल द लिविंग बींग्स डिपेंड। नाउ फर्स्ट आपका पहला वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लोरा एंड फौना? ये क्वेश्चन फ्लोरा अलग एंड फौना अलग दोनों भी आ सकते हैं, मींस व्हाट इज
फौना अलग से भी आता है, एंड व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना. फ्लावर यानी कि द प्लांट स्पीशीज, एंड फौना रेफर्स टू द एनिमल स्पीशीज. इफ यू लुक अराउंड देर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक. इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया एक अलग सा है जहां पर आपके लॉयन एंड टाइगर दोनों पाए जाते हैं. यू हैव द गिर फॉरेस्ट एंड यू हैव द रॉयल बंगाल टाइगर, यू हैव बोथ ऑफ देम. एंड देन देर आर सो मेनी फ्लावर्स, देर आर सो मेनी सॉरी प्लांट्स विच आर यूनिक टू इंडिया, लाइक टर्मरिक हमारे यहाँ. देन देर इज वन मोर हिमालयन यू. ये जो हिमालयन यू है, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द कैंसर. दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस अ नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड. सोचो अभी हमने कितनी सारी चीजें हमने डिस्कवर नहीं किया है. तो फ्लोरा कंप्राइजेज ऑफ ऑल द प्लांट स्पीशीज एंड फौना कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एनिमल स्पीशीज. और इंडिया के अंदर व्हाट वी हैव डन, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें बेटा. इफ यू हैव एन ओल्ड बुक, द ओल्ड बुक माइट बी हैविंग सम मोर मतलब की कंटेंट, ये न्यू बुक है. फ्लोरा एज आई हैव टोल्ड दैट वी हैव नंबर ऑफ फ्लावर्स विच आर यूनिक टू इंडिया. एक फ्लावर है इन ऊटी, मतलब की इट इज इन आई थिंक ऊटी और समथिंग कोडेकनाल. दैट प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स. इट्स कॉल्ड एज कुरंजी मलर. इट्स अ ऑरेंजिश कलर एंड इट इज यूज फॉर द गॉडेस ऑल्सो देयर. कुरंजी मलर, कुरंजी इज द नेम एंड मलर मीन्स फ्लावर. मतलब ऐसे फ्लावर्स हमारे पास हैं विच आर नॉट फाउंड एवरी एनी वेयर. और इसीलिए वी नीड टू कंजर्व. तो हमने क्या क्या किया है? कंजर्व मतलब क्या होता है? हमें उनको बचाना है. वी नीड टू यूज देम, हमें यूज भी करना है, लेकिन उनको ऐसे यूज करना है कि दे आर ऑल्सो सेव, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इंडिया के अंदर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं. देर आर सो मेनी एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि हमें पेड़ों को काटने से, हमें एनिमल्स को मारने से, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक इन इंडिया पहले पश्मीना शॉल वाज वेरी फेमस. पश्मीना इज वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट वन. देन उसको जो है देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस. फिर उसके बाद मनाली के पास आपको अंगूरा रैबिट्स मिलेंगे. These rabbits are so small, just आपके हाथों के अंदर आ जाएंगे. And they are so 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 silky. आप उनको हाथ लगाओगे तो आपको लगेगा आप सैटिन को हाथ लगा रहे हो. And these little animals were killed because उनके जो स्किन होती है उससे आपका अंगूरा बनता है. And you know, एक अंगूरा का एक सिंपल छोटा सा, इतना छोटा सा प्रोडक्ट जो है, that cost in thousands. तो अभी इंडिया के अंदर उनको मारने के लिए देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस. मतलब इनफैक्ट इट्स अ बैन. देर आर लिस्ट, देर इज अ लिस्ट ऑफ बैंड थिंग्स विच कैन नॉट बी सोल्ड. पहले क्रोकोडाइल्स, पहले क्रोकोडाइल के जो आपके लेदर होते थे दे वर वेरी फेमस, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रोकोडाइल लेदर, स्नेक लेदर, दे वर ऑल वेरी फेमस. बट नाउ there are certain restrictions or even ban, like kachua, tortoise. Pehle log rakhte the but now it is banned as per the rules. So the government has taken many conservation measures, chote se leke bade tak. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population. There was a time when the what you call as आपके जो है, मतलब देर वॉज अ टाइम जब आपके कंजर्वेशन के लिए पीपल जो है, सॉरी टाइगर्स जो है, दे हैड ड्रास्टिकली कम डाउन. अराउंड 1300 कुछ था, बट अभी जो फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग इट हैज आई थिंक ट्रिपल्ड और मल्टीपल टाइम.
And this was because टाइगर हंटिंग वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया. इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने तो टाइगर्स को मारने का जो है, दे यूज टू गिव दी अवार्ड, वो रिवॉर्ड देते थे राजाओं को. राजा लोग अगर उसको मारते थे तो उनको रिवॉर्ड मिलता था, एंड दैट वॉज अ स्पोर्ट इन फैक्ट. देन आपकी जो टस्कर्स होते हैं, दैट इज ऑफ द एलिफेंट. देर हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, द टोटल एरिया जो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 33%. यानी कि इंडिया का अगर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो देन उसका 33% शुड बी फॉरेस्ट एरिया. बीच में इट हैड कम टू 23 और 24%, और अभी इम्प्रूव हुआ है टू 28%. सोचिए, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. वाटर, एयर एंड सॉइल. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, एयर इज रिक्वायर्ड. यू माइट हैव सीन हाउ मेनी पीपल नाउ आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस. सॉइल, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज. फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बैलेंस. इन द 1960s एंड 70s, द कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 शुरू में. इसमें अभी चेंजेस भी आए थे. Then later on it were even changed with various provisions for protecting the habitat. An All India list of protected species was published, जो मैंने अभी आपको बताया कि there are number of trees, number of what you call as animals, even insects and butterflies. Not only that, trees. देर आर नंबर ऑफ एनिमल्स, देन बटरफ्लाइज, इंसेक्ट, सबकी लिस्ट बनी हुई. आपको पता है, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट जो शुरू में एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इंटू 3, एंड दे वर कॉल्ड एज द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, देन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विलेज फॉरेस्ट. तो जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, ये वो एरियाज हैं जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट जो है, इट इज हैविंग इट्स एक्सेस. वहां सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी देखभाल करती है. ऑल काइंड्स ऑफ प्रीशियस फॉरेस्ट उनको रिजर्व में रखा गया है. एंड मध्य प्रदेश कंप्राइजेस ऑफ द मैक्सिमम एरिया अंडर रिजर्व फॉरेस्ट. देन प्रोटेक्टेड आपके वो हैं जिनमें कुछ, मतलब कि द फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, तो उनको जो है अंडर सर्टेन प्रोविजंस प्रोटेक्ट दिया जाता है. कुछ उसमें कुछ जो आपके मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विलेज फॉरेस्ट विच इज क्वाइट कॉमन. आपका गुजरात, तमिलनाडु, ये वाला एरिया सारा आपका विलेज फॉरेस्ट के अंदर आता है. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम, थ्रस्ट का मतलब होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव. थ्रस्ट का मतलब होता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इट वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंडेंजरिंग स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. अभी मैंने आपको ये तीनों ही समझाया था कि कई पहले क्या होता था. इन इंडिया इट वॉज वेरी कॉमन, हंटिंग वॉज अ स्पोर्ट. हंटिंग वॉज अ स्पोर्ट.
उनको उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन प्रोविजंस वर गिवन, देन आपका सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, यानी कि अभी जो मैंने आपको अंगूरा रैबिट का बताया, पश्मीना का मैंने बताया, टस्कर्स का आपका बताया, टस्कर्स तो हमारे यहाँ से इनफैक्ट स्मगल होते थे, हमारे यहाँ से स्मगल होते थे, तो इन सबको जो है नाउ दे हैव बीन गिवन, इनफैक्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वेरी फेमस सैंडलवुड डॉन जो आपके मतलब की था, दैट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस केस इन इंडिया, वीरप्पन, ही वाज अ सैंडलवुड स्मगलर। तो अब दीज काइंड ऑफ एनिमल्स, दीज काइंड ऑफ जैसे आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, दीज काइंड ऑफ एनिमल्स जो आपके प्लांट्स हैं, इन सबको जो है दे आर बीन गिवन द लीगल प्रोटेक्शन। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट्स एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स, हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा था, एंड इवन दे आर यू नो पार्ट ऑफ वॉट वी कॉल एज अवर मैप ऑल्सो, सैंक्चुरीज अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये आपके बड़े फेमस हैं, विच वर ग्रेव सॉरी फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड, इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्न राइनो दैट इज इन असम आपका काजीरंगा, द कश्मीर स्टैग दैट्स अ डियर, देन थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल विच आई टोल्ड यू, वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। घड़ियाल बेसिकली आपके रिवर बेसिक जो रिवर जो मेन है उन सब में पहले थे, बहुत आसान था, हम तो जब छोटे थे तो हम लोगों ने ये सब चीजें मतलब घड़ियाल को तो हमने बहुत कॉमनली देखा है इन ऋषिकेश, मतलब इट वॉज वेरी कॉमन, मतलब इतना भी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम घर मतलब कि घर के बाहर छोटी चीजें मतलब आजकल बैटरी रिक्शा देखते हैं ना, वैसे बहुत कॉमन होता था, बट नाउ बिकॉज वाटर के अंदर हमारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, राफ्टिंग वगैरह, तो उसके लिए वो मतलब कि रिवर को रिवर में बोट वगैरह चलते रहते हैं, तो दे हैव कई तो मतलब कि मेनी हैव बीन डेड एंड मेनी हैव बीन एंडेंजर्ड। एशियाटिक लॉयन एंड अदर्स, मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, चिंकारा, ब्लैक बक इज अगेन अ डियर, और इसी के पीछे पूरा का पूरा आपका जो सलमान खान की जो मूवी थी हम साथ साथ हैं कि उसकी पूरा का पूरा क्रू मेंबर पे जो है केस चल गया था, एंड इट वाज बिकॉज दे ऑल हैड गॉन, वो जो मतलब की मूवी थी दैट वाज शॉट इन राजस्थान बिश्नोई कम्युनिटी, वहां पर जब वो लोग गए थे तो व्हाट हैपेंड इज मजाक मजाक में उन लोगों ने जो है दे जस्ट स्टार्टेड हंटिंग एंड दे वर कॉट एंड द केस वाज पुट, एंड द स्लो स्नो लेपर्ड हैव बीन गिवन फुल आर पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। तो दीज आर द ये वाला जो है दीज आर द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेड, यानी कि अगर आपके पेपर में आता है कि व्हाट आर द कंजर्वेशन मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ये वाले लिखने हैं पॉइंट्स, मतलब इंडिया जो मतलब आपका जो एनिमल्स हैं दे हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन, देन देर आर सर्टेन कुछ को पार्शियल मिला है तो कुछ को फुल प्रोटेक्शन मिला है, लाइक दिस इज प्रोजेक्ट टाइगर विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू दैट देर वॉज अ टाइम वेन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बिकॉज इन इंडिया इट वॉज वेरी कॉमन, हंटिंग तो इंडिया में बहुत कॉमन था, टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब, फॉना मतलब आपका एनिमल्स, इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज दैट द पॉपुलेशन हैड ड्विंडल टू 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000, सोचिए आप कहाँ 55,000 और कहाँ 1827,
In fact, later on it was around 1300, but now it has multifolded. And the था क्यों करते थे? इट वॉज डन फॉर पोचिंग फॉर ट्रेड, क्योंकि आप मानते हैं ना, बड़े बड़े लोग मानते हैं कि जो टाइगर का स्किन होता है उसका मतलब कि उसको दे यूज इट एज अ डेकोरेटिव मटीरियल. सेकेंडली इन कंट्रीज लाइक चाइना दे इवन यूज सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर मेडिसिनल, मतलब उसमें भी यूज करते हैं. श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, दूसरा ये भी रीजन था कि अब उसको प्रे मिलता नहीं था तो धीरे धीरे उसको खत्म हो गया. इसका मेरे पास आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस. वी आई व्हेन आई वाज इन एलपीएस तो वी यूज टू गो फॉर यू नो द पिकनिक, स्कूल के जो पिकनिक्स होते थे, एंड वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू चंडीगढ़. एंड चंडीगढ़ के पास में जो जू था वहां पे हम लोग गए थे. एंड व्हेन आई मतलब द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल यू नो प्लेस. मैं बच्चों के साथ गई थी अपने स्कूल के, तो वी हैड हम लोगों को जो है वी हैड टू सिट इन द बस, और वो बस ऐसे लगती थी जैसे जेल खाना हो. वो बस ऐसे लगती थी एज इफ इट वॉज अ जेल खाना. एंड बाद में क्या हुआ, जब हम मतलब बैठ गए उसमें, वो बड़े बड़ी सलाखें से होती थी, एंड आउटसाइड वी कुड सी द ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ टाइगर्स. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ टाइगर पूरे झुंड में जा रहा था, यू नो टू टाइगर्स फिर पीछे छोटे छोटे ऐसे करके, एंड देन द एलिफेंट्स. सो व्हेन आई केम बैक, द नेम ऑफ द जू इज छतबीर जू. सो व्हेन आई केम बैक तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो हमने सोचा कि चलो फैमिली को भी लेकर चलते हैं. ट्वाइस और थ्राइस वी वेंट विद आवर फैमिली ऑल्सो. ईयर्स लेटर, आई थिंक 4 or 5 years लेटर, हम दोबारा गए थे चंडीगढ़ किसी रास्ते से, तो वी वर बाइंग द टिकट्स. यू वोंट बिलीव, हम टिकट्स बाय कर रहे थे. टिकट्स यहाँ से बाय करते हैं, इफ यू हैव गॉन आपको पता होगा, तो गेट होता है, गेट के पास ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी बड़ी बड़ी बिल्लियां हो विदाउट एनी स्किन एंड ऑल. एंड वो जो कंडक्टर था ही वॉज यू नो बीटिंग देम विद अ डंडा, और बाद में पता लगा ये मतलब कि दे वर द सेम टाइगर्स, दे हैड बिकम सो वीक. तो कई बार हम लोग जो है रिक्रिएट कर रहे हैं, एंड देन दे डोंट हैव द नेचुरल हैबिटेट. अब आप सोचो कि आपको घर की जगह पे जंगल में भेज देंगे तो आप कैसे खाओगे? खाओगे जरूर, बट व्हाट फॉर हाउ मेनी डेज? सिमिलरली जब उनके देव मतलब कि उनके जो फॉरेस्ट है उनको काट दोगे तो वेयर दे विल गो. द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स, यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली इन चाइना इट इज यूज, एक्सेप्शनली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन, दीज टू नेशंस बिकेम द प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल, क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड में 2/3 हमारे यहाँ पर था. आपके जो एशियाटिक लॉयन, अब तो वो खत्म, देन आपके टाइगर्स, और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड वॉज लॉन्च्ड. इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973. आपका जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो 1972 है, एंड प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 है. टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्निट्यूड. ये आपके कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, यू मे गेट इट एज अ मैप क्वेश्चन ऑल्सो. द कॉर्बेट, कॉर्बेट में तो लोग पता ही आपको, सुंदरबंस विच इज रॉयल बंगाल टाइगर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का आपका राजस्थान, मानस एंड पेरियार इन केरला. पेरियार इज नॉट ओनली फेमस फॉर टाइगर बट इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द एलिफेंट्स.
conservation projects are now focusing on biodiversity rather than few of its component. पहले हम सिर्फ और सिर्फ जो है फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे, बट हम अब हमें समझ आया है कि सिर्फ फॉरेस्ट में एनिमल्स को ही नहीं, सिर्फ आपके नहीं है, वी आर हैविंग एज आई सेड इंसेक्ट भी है, वी आर हैविंग सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स. इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग. देर आर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, नंबर ऑफ बटरफ्लाइज जिनको प्रोटेक्शन मिलता है, जिनको आप मार नहीं सकते हो. 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था और बाद में 82 एंड 86 में उसको अमेंड किया गया था. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइम्स वाज इट अमेंडेड? इट वाज अमेंडेड ट्वाइस. सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड इन 1991. इवन फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड विथ सिक्स स्पीशीज. कि ऐसे हमारे पास बड़े सारे प्लांट्स हैं जिनको हम मार, मतलब कि हम तोड़ वो कर देते हैं. मेनी ऑफ द प्लांट्स आर मेडिसिनल, एज आई हैड ऑलरेडी गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ हिमालयन यू, टर्मरिक, देन अर्जुन, बबूल. ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं विच वी यूज इट नॉट ओनली फॉर द फ्रूट पर्पज, और आजकल तो वैसे भी बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक, बिकॉज ऑफ द यू नो डाइट कॉन्शियस, वी आर हैविंग नंबर ऑफ सो मेनी प्लांट्स जिनको हम यूज कर रहे हैं. यूज करना बुरी बात नहीं है, बट उसको ग्रो करने के लिए यू नीड टू गिव देम द टाइम, यू नीड टू प्रिजर्व देम, यू नीड टू प्रिजर्व द सॉइल, यू नीड टू कंजर्व देम, देन ओनली इट इज पॉसिबल कि हम उनको बचा सकते हैं. नाउ दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. ये आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज इधर उन्होंने जो है क्लासिफाई किया है, दिस वॉज डन इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश के पीरियड में ही कर दिया गया था. द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इंटू थ्री, रिजर्व. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व, यानी कि इनमें आपके सबसे वैल्यूएबल लाइक टीक, आपके वो प्लांट्स जो मतलब कि विच आर वेरी प्रीशियस, जिनकी कीमत भी ज्यादा है उनको, एंड द एंटायर एरिया इज मैनेज्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टेड. ये उनमें से कुछ प्लेसेस हैं जिनको प्रोटेक्शन मिलता है. ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिससे कि इनको आगे जो है हम डिप्लीट, मतलब इनको खराब ना करें, इनको ना काटें. अनक्लास्ड मीन्स इट इज बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, कोई भी रहता. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट. दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. इट कैन बी कॉल्ड एज असर्शन एंड रीजन. दे आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन्स. मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट, कंज्यूमिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. मतलब मध्य प्रदेश का 75% जो है वो आपका इट इज अंडर प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट. जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट. आप लोगों को ये सारा कुछ जो है लर्न करना है. एंड हरियाणा, बिहार, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात आर क्लासिफाइड एज अनक्लास, यानी कि दे डू नॉट बिलोंग टू एनी वन, इट इज मैनेज बाई बोथ ह्यूमंस, मतलब बोथ बाई गवर्नमेंट एंड दिस इज, यू कैन सी घड़िया घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, दिस इज अ न्यूज पेपर रिपोर्ट. आपको ये पेपर में मतलब आपको दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मीनिंग क्या है. एज आई सेड कि घड़ियाल आपका एक ऐसा टाइम था जब आपके रिवर्स दिखे, दिस इज अ हाउ दिस वॉज वेरी कॉमन, बट नाउ इट हैज बीन यू नो स्लोली ऑन द ब्रिंक. देन यहाँ पर देखिए, बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, दिल्ली गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पॉइंट टू टॉक्सिक एलिमेंट्स इन स्टैग्नेंट वाटर, दिस इज वेरी वेरी कॉमन. ये बहुत ही रीसेंट है, दिस इज अ वेरी रीसेंट वन, सोचो आप. तो दिस इज हाउ कंजर्वेशन हैज बीन डन. नेक्स्ट इज, ये तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, लेकिन हम मतलब कि कॉमन पीपल ने क्या किया, व्हाट डिड कॉमन पीपल डू, कम्युनिटीज ने क्या किया. मैंने अभी आपको एक मतलब कि जो सलमान खान वाला बताया था, ही इज वेरी फेमस, इन फैक्ट दैट्स अ वेरी फेमस, यू नो एवरी टाइम पीपल से दैट इज अ अमर. तो देर आर मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं विच आर लुकिंग आफ्टर देयर, जो उनके फॉरेस्ट हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, दे प्रोटेक्ट देम. फॉर एग्जाम्पल आपके बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी इज वेरी वेरी फेमस, यू नो बिश्नोई कम्युनिटी इज वेरी फेमस. दे मतलब कि वो अपने जो मतलब कि उस अपने रूल्स खुद बनाते हैं. मूवी में डायलॉग होता ना, यहाँ का रूल रूलर भी मैं हूँ और मतलब कि सारे रूल्स भी मेरे हैं, तो दे गिव देयर ओन. एंड देन देर आर मेनी कम्युनिटीज लाइक इन आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपका जो है द वहां पे पता क्या करते हैं, देयर वी हैव गॉट द सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स. और सेक्रेड ग्रोव्स जो है, दिस इज सेक्रेड मतलब होता है वेरी होली. वो लोग क्या करते हैं, दे से दैट प्लांट्स एनिमल्स फॉरेस्ट ये सब जो है दे आर ऑल द गॉड्स गिफ्ट एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट देम. तो वो उसकी पूजा करते हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, रिवर्स की, माउंटेन्स की, एंड इवन दे डोंट अलाउ इवन द गवर्नमेंट टू एंटर इन टू दोज एरियाज. ऐसे हमारे यहाँ सरिस्का, वहां के जो लोग थे दे हैड फॉट अगेंस्ट द पीपल, जब माइनिंग के लिए वहां पर मतलब कि बना था, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपने हाथ में रखकर दे फॉट कंजर्वेशन. और ये आपका जो है उसके बाद से द गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज मतलब जो वहां रहते हैं, दोज पीपल हु बिलोंग टू दोज एरिया दे आर बेटर. अब अपने घर की देखभाल तो मैं ज्यादा अच्छा करूंगी ना, आप अपने घर की, अपने कमरे की, अपने सामान की रखवाली आप ज्यादा अच्छे से करोगे. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू टू इन अवर कंट्री, हमारे यहाँ पर कंजर्वेशन इज नॉट अ न्यू. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया ट्रेडिशन सॉरी फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, जिनको हम ट्राइब्स बोलते हैं ना, ट्राइबल पीपल. वो इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको जो है यू हैव टू गिव ऑल दीज एज द एग्जाम्पल व्हेन आपका आएगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आपके 200% इस चैप्टर में से आएगा, इट इज सीबीएसई में दिया हुआ है. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. इन मेनी एरियाज दे आर देमसेल्फ प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्व.
एक्सप्लिसिटली मतलब ओपनली हम नहीं आपको इन्वॉल्व करने देंगे. द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 villages इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरव देवी डाकर सेंचुरी. और वहां पर दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट. बेसिकली दे प्रोटेक्ट द ब्लैक बक एंड आपका बिश्नोई कम्युनिटी जो है दे आर ऑल्सो वेरी फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग दिस पीकॉक मोर. दिस इज हाउ पीपल हैव कंजर्व द फॉरेस्ट. एंड इनफैक्ट अगर आप वहां पर जाते हो ना तो यू डोंट नीड टू गो टू हाई कोर्ट एंड ऑल. उनके अपने रूल्स हैं वहां पर. द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालया हैज नॉट ओनली सक्सेसफुल. चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदर लाल बहुगुना. इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदर लाल बहुगुना. ही वॉज एक्चुअली हुआ क्या था कि चिपको मूवमेंट के पीछे मैं बताती हूँ. इट इज नॉट बेसिकली अबाउट डिफॉरेस्टेशन. कुछ आपके एरियाज थे विच वॉज प्रोटेक्टेड अंडर, मतलब ये एरियाज वो थे जो आपके पूरे जंगल में. वहां पर द गवर्नमेंट वॉज गिविंग द प्लेस टू सम फॉरेन कंपनी फॉर सम टॉयज और कुछ, और वहां लकड़ी काटने का उनको परमिशन मिल गया. जो लोकल लोग थे एक्चुअल में दे वर अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स. एंड लेटर ऑन उन लोगों को जब वहां पर जब ऑफिशियल्स आए एंड दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज, जब उन्होंने ट्रीज को काटना शुरू किया तो वहां की जितने औरतें थी, ऑल द विमेन एंड पीपल, वो सब जो है उन लोगों ने क्या किया, हग कर लिया ट्री को. एंड दे सेड इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्री फर्स्ट हमें हग. एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द चिपको मूवमेंट. एंड बाद में ये कम्युनिटी से रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन को जो है रोकने में बहुत मतलब की वो सक्सेसफुल. द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयास हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज बट हैज ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल. मतलब अपनी कम्युनिटी जो है वो और अच्छे से दे कैन लुक आफ्टर. अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स, न्यू मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड. आप अगर इफ यू आर इन टू अगर आप ये सब चीजें देखते हो ना तो एक आजकल एक नया आ गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग. This is a new concept. In Noida, there is one person, I don't remember the name, lekin he does not use any kind of fertilizers which are available. He uses only the traditional one. He uses all the things which are traditional. और उनके जो खेतों में मूली आती है ना वो हमारे घर के बेड की जितनी बड़ी बड़ी थी. मतलब and it is reality. मतलब we have seen it. नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, क्योंकि ऑर्गेनिक और आपका जो इंडिज मतलब आपका जो ओल्ड मेथड है वो क्या था, जैसे आपके पास सीड्स है तो पहले जमाने में क्या होता था, सीड्स को सुखा दिया जाता था एंड देन दैट सीड्स वुड बी यूज फॉर द नेक्स्ट ईयर. आजकल क्या है, वी आर यूजिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द यू नो द वॉट वी कॉल एज सिंथेटिकली मेड और यू कैन से लैब मेड, जैसे HYV सीड्स है आपके, हम लैब वाले सीड्स हम यूज कर रहे हैं तो उसको अब जो है लोग चाहते हैं दैट शुड नॉट बी देयर, इट शुड नॉट बी देयर. देन और इसी के लिए जो है आपका बीज बचाओ आंदोलन एंड नवधान्य, नवधान्य इज फॉर द सीड्स. दे हैव बीन यूज विदाउट यूजिंग एनी सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड केमिकली वायबल, इकोनॉमिकली वायबल. आपका चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुना, बीज बचाओ, बीज बचाओ अभी मैंने आपको बताया, द ओल्ड मतलब जो हमारे घर में सीड्स होते हैं
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सच यू नो ऑल काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ ये सारे उल्टे सीधे काम करने के मुझे बड़े शौक है. इवन इन माई बैल्कनी आई हैव दिस मच ऑफ बिग ऑफ दिस टोमेटो, जो टोमेटोज के वो सीड्स होते हैं उनको मैं यूज कर लू. तो हम तो वी आर यूजिंग एज ओनली हम हमारे लिए तो क्यूरियोसिटी है, बट इन द फार्मिंग इट इज वेरी नेसेसरी. हम लोगों ने पालमपुर वाले में पढ़ा था दैट व्हेन वी आर यूजिंग HYV सीड्स, व्हेन वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, व्हेन वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, तो वो वाटर टेबल को एंड साथ में आपके सॉइल को खराब कर देता है. तो इसीलिए दे वॉन्ट दैट द ट्रेडिशनल आपके जो बीज है दैट इज सीड्स दे शुड बी प्रिजर्व. इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल. JFM, वॉट इज नाउ JFM, इसके ऊपर आपका पूरा पेपर में क्वेश्चन आता है. JFM इज कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट दोनों मिलकर देखभाल करती है. जिन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कुछ विलेजर्स को अंदर रहने की परमिशन मिलती है एंड दे हैव टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को फायर से बचाना है, अगर फॉरेस्ट सूख गया है तो उनको रिवाइव करना है और उसके बदले में द गवर्नमेंट गिव्स देम सम काइंड, पैसा नहीं देती है कुछ चीजें देती है. द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988. ये आपके पेपर में लास्ट ईयर आया था या उससे पहले आया था कि कौन सा स्टेट है जहां सबसे पहले JFM को अप्लाई किया गया था. इट इज ओडिशा, इट इज ओडिशा एंड इट वॉज इन 1988. आपका ये 1988 में हुआ था. JFM डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जहां आपका लैंड, जहां फॉरेस्ट आपके डिप्लीट हो गए हैं, इन रिटर्न मतलब उनकी देखभाल करने के बदले में द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडियरी बेनिफिट्स. मतलब उनको पैसा नहीं मिलता, उसकी जगह उनको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स या अगर उन्होंने सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया तो कुछ टिम्बर्स उनको मिलते हैं एज रिवॉर्ड. एंड दिस हैज बीन वेरी वेरी फेमस. आपके जो केरला है ये वाला पार्ट कट गया है, इन द ओल्ड बुक यू विल फाइंड दिस. केरला वगैरह मणिपुर इन सब जगहों पर दे आर वेरी कॉमन. सो द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. आप पानी को देख रहे हो, वहां पर भी यू आर हैविंग, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन. रिवर्स को देखते हो आप, तो रिवर्स के लिए वी नीड टू, उनको पॉल्यूशन से हमें बचाना है. इंडिया के अंदर आपका गैप यानी कि गंगा एक्शन प्लान लिया गया था, फॉरेस्ट के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लिया गया है. देन आपका जो है प्रोजेक्ट लिया गया है फॉर द एनिमल्स. देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका लिया गया है. But there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making. अभी तो वो सिर्फ help करते हैं, उनको हमें decision में भी involve करना पड़ेगा ताकि वो हमें बताएं कि और कितने अच्छे तरीके से हम इन forests को बचा सकते हैं. Accept only those economic or developmental activities that are people centric, environment एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग. मतलब हमें फॉरेस्ट में उन्हीं एक्टिविटीज को लेना चाहिए जो हमारे इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, एनवायरमेंट के लिए भी जरूरी है एंड हमारे लिए जो है मतलब वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है. एट द सेम टाइम दे आर नॉट डिप्लीटिंग द नेचर. ये मैंने आपको बताया था सेक्रेड ग्रोव्स. Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. और ऐसा ही हमारा है sacred groves. Sacred मतलब holy. यहाँ पे